सभी का स्वागत है। आप लोग पूरी खबर की जानकारी के लिए शुरू से अंत तक वीडियो और बातचीत के अंश सुनते रहिए। ये घटना की जो तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी एक हुजूम के रूप में ये स्थानीय कस्बा रेवसा बहराइच रोड लकड़ी मंडी के पास मदरसा अब्दुल कलाम के पास की हैं, जहाँ पर एक घटना को अंजाम अज्ञात चोरों के द्वारा दिया गया है। वहीं पर सूचना पीड़ितों द्वारा सुबह की घटना की जानकारी होने पर पुलिस को दे दी गई है। पुलिस घटनास्थल पर मौके की जांच पड़ताल कर रही है और वहीं पर उचित कार्रवाई करने की बात कही है और जांच करने के बाद उचित कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई है। थाना प्रभारी अपने हमराही बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें बातचीत के अंश। नमस्कार, सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल लगातार पल पल छोटी बड़ी खबरों के साथ रेवसा सीतापुर प्रेम वाजपेयी की रिपोर्ट। आपको बता दें कि ये जो मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये स्थानीय कस्बा रेवसा की हैं और जहाँ पर यह भीड़ एक हजूम एक घटना का प्रतीक साबित हो रहा है। लेकिन हम ले चलते हैं यहाँ पर घटना पर प्रकाश डालते हैं और घटना स्थल तक पहुँचते हैं, आप लोगों को रूबरू कराते हैं आखिर यहाँ पर हुआ क्या है और कौन सी घटना घटी है जो इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। क्या हुआ है यहाँ, क्या हुआ भैया, क्या हुआ, चोरी हुई? ये कौन सा स्थान है, किस दुकान में चोरी हुई है? चार दुकान सब दुकानें खोली दिखाई दी। जैसा कि आप देख रहे हैं या बता रहे हैं, चोरों ने तांडव किया है यहाँ पर, चोरों ने तांडव किया है। ये दुकान मालिक हैं, इस कदर से यहाँ पर एक तांडव किया है कि काफ़ी तहलका मचा दिया है और कस्बे के अंदर चोरों ने ये तांडव किया है, आप देख सकते हैं। और पांच दुकानों के यहाँ पे शटर काटे गए हैं। स्थानीय कस्बा रेवसा का मामला है, जैसा कि यहाँ पे काफ़ी लोगों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है। ये बहराइच रोड की मदरसा अबुल कलाम के पास की घटना है, स्थानीय कस्बा रेवसा, और ये 2 मार्च 2020 सोमवार की तस्वीरें हैं। ये दुकानों का सामान छत बिछत अवस्था में बिखरा हुआ पड़ा है और शटर के ताले काटे गए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और पांच दुकानों के ताले काटे गए हैं, ये ताले पड़े हुए हैं यहाँ पे टूटे हुए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और ये कपड़े की दुकान थी यहाँ पे, इस कदर से जो है बड़ी निर्ममता से ताले तोड़े गए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये काफ़ी लोगों का यहाँ पे हुजूम इकट्ठा है क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना हुई है अथानी कस्बे में। ये है योगी राज, इस कदर से आदमी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है और चोर आए दिन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इस तरह से ये पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े करती है कार्यशैली पर। कौन सी घटना घटी? दुकान चोरी हो गए, पांचों दुकान में। ये पांचों दुकानें काहे की हैं? ये कपड़े की हैं, सब कपड़े की दुकानें हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है अब्दुल सलाम। पिताजी का? मोहम्मद इब्राहिम। और पिताजी का? मोहम्मद इब्राहिम। तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद इब्राहिम। और तुम्हारा? मोहम्मद सईद। पिताजी का? महबूब। तुम्हारे पिताजी का? जनाब अली। अच्छा, ये सब तुम्हारी की दुकानें हैं? जी। कपड़े की दुकानें हैं? थोक की हैं, फुटकर की? फुटकर के रही। फिर कैसे चोरी हुई है, पूरी घटना बताएं। चोरी का हम यहाँ से गए 9:30 बजे, 9:30 बजे रात में गए तो ये पैसा जो है तो दुकान के इधर डाले थे हमने, लेकिन ये तखत जो है तो तखत खटिया कर इसको हार्ड करके काम किया गया, सब ताला टूट गया। कई दुकानों के ताला टूटे हैं? पाँच चार दुकानों के ताला टूटे हैं। ये कब की घटना है, किस रात की? रात की। कौन सा तारीख, कौन से दिन की रात की? दो मार्च 2020। आप लोग कहाँ गए थे? आप लोग कहाँ थे? हम लोग घर पे थे। अच्छा था, दुकान बंद करके घर चले गए थे। ये दुकानें आपकी निजी हैं? जी हाँ, हमारी निजी है। अच्छा अच्छा, क्या क्या गया है सामान? सब साड़ी गई है, दुकानें सब भर गई। लगभग कितने की चोरी हुई होगी?
से उमर जो दुकान हुआ है 10-12 लाख रुपए हमारे साथ चले गए सब पाँचों दुकान अलग किराए से नकदी तो नहीं गया नगद रखा 50,000 रुपया ही दुकानों में रखे थे घर नहीं ले गए थे पचास हजार रुपया कहाँ से लाए थे बेचे हैं दुकान में रख दिया तो थोक में फुटकर में इतनी बिक्री होती है अच्छा फेरी भी करते हो अच्छा 50,000 पाँचों दुकानों में नकद गया है और पाँचों दुकानों की कुल चोरी कितने की हुई 6-7 लाख की हुई है 6-7 लाख रुपए की पांचों दुकानों में चोरी हुई है थाने में सूचना दी थाने में गया पुलिस आई थी पुलिस नहीं आई है पुलिस आई थी पाड़े आया था पाड़े कांस्टेबल अच्छा देखा भला हाँ देख गया अच्छा अच्छा क्या बताया चले गए बड़े साहब से बताया बड़े साहब सो रहे अच्छा गए थे अच्छा मतलब मौखिक सूचना दिया है लिखित में लिखित ना दिया है भैया आया ना लिखाने वाला ना आया हुआ है तो लिखित में नहीं दोगे देंगे हम लिखित में दोगे अभी लिखाने वाला नहीं आया अभी नहीं आया हुआ तो जोड़े पर लग रहा है का बन जो है फिर भी सही से करते नहीं है गश्त भी करती है तो चोरी होती है कैसे गश्त होता है मैन रोड पे पर यहाँ है गश्त होते चोरी होते जो कहा जाए अब ये उसकी कार्यशैली है और क्या है गश्त तो करती है बराबर क्या हुआ है मौलाना साहब यहाँ पे आज रात में यहाँ चोरी हुई हो गई दुकानों में अच्छा लगभग कितनी दुकानों में चोरी हुई है अच्छा और माल भी काफी निकल गया लगभग कितने की चोरी हुई होगी जैसा कि ये लोग बता रहे हैं दुकान मालिक ये 7-8 लाख रुपए की चोरी हो गई है नहीं तो माना जी जैसे लेकिन ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं दुखद का जो विषय है कि जो है बताइए ये रेवसा प्रॉपर का मामला है और इस तरीके से क्या कहते हैं बताया जाता है कि क्या कहते हैं पुलिस जो क्या कहते हैं गश्त भी करती है और निगरानी रखती है तो किस तरीके से गश्त और निगरानी होता है जो इस तरीके से क्या कहते हैं खुलेआम जो है जनता का सामान और उसकी दुकान और उसकी रोज़ी रोटी का कहते कमाने का जो ज़रिया है वही नहीं बाकी रहेगा तो किस तरीके से लोग जो है लोग अपने बच्चों को क्या कहते पालेंगे और किस तरीके से भरोसा रखेंगे कि अगर हम कुछ कर लेंगे अपनी रोज़ी रोटी के लिए तो वो महफूज रहेगा तो ये बहुत दुखद विषय है इसके ऊपर क्या कहते हैं सोचना चाहिए और ये बहुत जो है क्या कहते हैं गलत चीज़ है कि जो बताइए क्या कहते हैं रेवसा प्रॉपर का मामला है क्या कहते हैं नाक के नीचे इस तरीके से ये सब मामला हो रहा है और क्या कहते हैं किसी को कुछ पता नहीं है इसका जिम्मेदार कौन होगा आपको जैसा कि यहाँ पे काफ़ी गंभीर आरोप जड़े जा रहे हैं कि एक तरफ पुलिस गश्त कर रही है दूसरी तरफ चोर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ तक कि पुलिस की नाक के नीचे चोरियाँ हो रही हैं और पुलिस को भनक तक नहीं लग रही है ऐसे ऐसे गंभीर आरोप यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा और आम लोगों में जुबानी चर्चाएं हैं क्योंकि अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कैसे होगी सुरक्षा जब ये हाल है और मेन भरे कस्बे चौराहे पर रोड का मामला है इस कदर से यहाँ पे जो कि पुलिस की कार्यशैली पर और गश्त पे सवालिया निशान ये खड़े करती है जहाँ एक तरफ योगी सरकार के कड़े से कड़े नियम और कानून लगा रखे हैं और मतहत जिम्मेदार कड़े थाना प्रभारियों और पुलिस अन्य लोगों को जो है कड़े दिशा निर्देश दे रखे हैं नज़र रखने के लिए कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए आए दिन हमेशा जो है चाक चौबंद के कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं लेकिन वहीं पर घटनाओं इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं चोरियां हो रही हैं ये एक बहुत बड़ी लोगों में एक चर्चा का विषय है और सवालिया निशान खड़े करता है ये तस्वीरें
स्थानीय कस्बा रेवसा बहरेश रोड की हैं, और जहां पर ये तस्वीरें बयां करती हैं कि यहां पर यह कोई बड़ी घटना हुई है। और बड़ी घटना ये हुई है कि यहां पर अज्ञात चोरों ने काफ़ी चार दुकानों में तांडव मचाया है, और एक पांचवी दुकान बंद है अभी, वो दुकानदार आया नहीं है, जिसकी वजह से पता नहीं लग पा रहा है। लेकिन यहाँ पे पांच दुकानों की बात कही जा रही है चोरी होने की, और काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, और पुलिस भी को सूचना दे दी गई है। पुलिस आई थी, पुलिस जांच पड़ताल करके लौट गई है। गंभीर चोरी भाई है, इसका तो चोरी हम देखा नहीं किसी की। हाँ, फिर हमारी दुकान नहीं, तो पुलिस अभी नहीं आई है। नहीं, पुलिस तो आई थी अभी, पुलिस आए थे फिर चली गई। नहीं, पुलिस तो बराबर रात भर गश्त भी करती है, फिर चोरी मेन रोड से है सामने, और सामने भी घर भी है, पड़ोसी में घर भी है। क्या हुआ? नहीं तो तुम यहाँ क्या लेने आए हो? क्या हुआ है यहाँ, कैसे आए हो भाई? क्या करने आए हो? देखने आए, देख रहे हैं कैसे ताला तोड़ा गया। हाँ, और कैसे ये सब चोरियाँ हुई। अच्छा, कई दुकानों में चोरी हुई? चार दुकानों में। पांच दुकान बता रहे हैं तुम, चार बता रहे हो? चार दुकान नहीं खुल पाई, मतलब चार में हुई है पाँच में हुई? चार में दुकान में चोरी भाई है। और ये कभी खुला नहीं? हाँ, ये कभी ना खुली। अच्छा अच्छा, नीचे ईटा तोड़ के चोरी, ये देखो ईटा उटा सब तोड़ता है, बेंच लगा कर इधर चोरी हुई। ये देखो अंदर गंभीर आरोप यहाँ पे लगाए जा रहे हैं पुलिस पर कि कोई मामला भरे कस्बे रवसा का है और मेन रोड का है, बहराइच रोड अबुल मदरसा कलाम के पास की घटना है। अज्ञात चोरों ने काफ़ी तांडव मचाया है यहाँ पे, और वहीं पर सूचना पुलिस को दे दी गई है मौखिक, और लिखित में अभी लिखाने वाला नहीं आया है, जिसकी वजह से नहीं दिया है, लेकिन देने की बात लिखित में कही गई है पीड़ितों द्वारा। पूरे आड़ कहीं क्या बल्ले लगाए लगाए तेरे बाद में आड़ में यहाँ काम करें, ये ताला सब टूटे वाले लाकर आए, बताओ ये मगर ना लाकर टूट गए यार, जो ताला छह दिन से काट काट करने बाद में वो करेंगे वो ईटा चलो निखार देने तब ये वाला बताओ सटर वो मारते नहीं।